ओ सनवास कैसा लग रहा है बताओ। फीलिंग ब्लेस्ड एंड हैप्पी। तो सही है, आप कोई सब भी दिक्कत तो आइए नहीं और हुई ना? लगवाइए, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। और आज का ये ब्लॉग बहुत ही रैंडम बनने वाला है, तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और इस ब्लॉग में होता क्या क्या है आप लोग आगे देखेंगे। अभी बज रहे हैं लगभग 6:30 और हमको वॉक पे जाना है, तो तैयार होते हैं, उसके बाद सीधा निकलेंगे कंपनी बाग जहां हम रनिंग के लिए जाते हैं। और ये मैंने अभी जैसे मैंने अपना जिम छोड़ा है उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि एक एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए, चाहे आप रनिंग करें या फिर योगा करें या फिर आप जिम करें। और हम जाते हैं कंपनी बाग, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है कंपनी बाग, तो अब हम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद सीधा आपको कंपनी बाग में मिलते हैं। सो गाइस, रनिंग यहाँ से हमारी कंप्लीट होने वाली है। 3 किलोमीटर के आसपास हम दौड़ चुके हैं। इसके बाद चलेंगे सीधा रूम पे। सो गाइस, फाइनली हमारा 3 किलोमीटर हो चुका है, अब चलते हैं सीधा रूम पे और हम 6 नंबर गेट के आसपास पहुंचने वाले हैं। आज काफ़ी लेट हो गया था कंपनी बाग आने में, तो अभी लगभग 7:45 हो रहे हैं, तो पहुंचते हैं सीधा अपने रूम में। ये रहा हमारा गेट नंबर 6, अब चलते हैं सीधा हॉस्टल में, इसके बाद नहाना होगा। अब गर्मी आ गई, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। सो गाइज, आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लें। गिव अवे का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। तो गाइस, फाइनली हम आ गए अपने रूम पे कंपनी बाग से। ये कुछ इस तरह की हालत है, पूरा भीग गया है सब, तो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद आज फॉर्म भी भरना है। मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। 20 मिनट्स लेटर। सो गाइस, फाइनली हम नहा लिए हैं और आप लोगों को बता दें कि चैनल पे गिव अवे चल रहा है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि हम उसमें देने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप उसको फॉलो जरूर करेंगे। और वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। अभी रात के 8 बज रहे हैं और हमको फॉर्म भरने जाना है 12 बजे के बाद। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए हम जाएंगे 12 बजे के बाद। तो गाइज, अभी हमें स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल और यहाँ पे एक रिपोर्ट लेनी थी भाई की, इसलिए अभी तुरंत आ गए हैं। पहले रिपोर्ट ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा रूम पे। ये है हॉस्पिटल स्वरूप रानी। फाइनली ये रिपोर्ट मिल गई है हमारी। ये रही हमारी बाइक। सो गाइस, फाइनली हमें ये रिपोर्ट मिल गई है और रिपोर्ट जो है नॉर्मल है, इसको लेके हम सीधा चलते हैं हॉस्टल में। आप लोगों को बता दें, इस ब्लॉग में आप लास्ट में देखेंगे कि सहनवाज ने अपना पहला डोज कोविड-19 वैक्सीन का लगवा लिया है, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फाइनली हम सैनवाज के रूम पे आ गए हैं और जो है इनसे एक्सपीरियंस लेते हैं कोविशील्ड वैक्सीन का। इन्होंने अपना पहला डोज लगवा लिया है, तो सैनवाज कैसा लग रहा है बताओ? फीलिंग ब्लेस्ड एंड हैप्पी।
तो सही है, आप कोई सब दिक्कत भी नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ फीवर वगैरह ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल हम फिट हैं। तो शहनवाज को फीवर भी नहीं आया? नहीं, जनरली जो है वैक्सीन के बाद फीवर वगैरह थोड़ा सा आता है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं आया। जो फॉर्म भी भरना पड़ता है उसको लगवाने से पहले, तो शहनवाज का हम देखते हैं कहाँ पे। तो गाइस कुछ इस तरह का कार्ड होता है जो शहनवाज को मिला है मुफ्त में, इसको लगवाने से पहले, वैक्सीन को लगवाने से पहले कुछ इस तरह के फॉर्म में आपको फिलअप करना होता है। आप कहाँ से हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, किस डेट को आपने पहला डोज लगवाया था, क्योंकि इसका सेकेंड डोज उसी के हिसाब से लगेगा। 6 मार्च 2021 को लगवाया है और जो दूसरा डोज होगा वो 3 अप्रैल 2021 को होगा। सो गाइस इस कार्ड के पीछे कुछ जानकारियां लिखी, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि इसके कुछ साइड इफेक्ट जो अगर होते हैं आपको तो वो क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे पहला लिखा है इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन, और दूसरा है हल्का बुखार, तीसरा बेचैनी, चौथा हरारत, पांचवा है दाने। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो आपको हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको होंगे। लेकिन लगाने से पहले बेचैनी जरूर थी शहनवाज को, लेकिन उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गया। सो गाइस हम शहनवाज के रूम पे ही आज खाना खाएंगे शाम का, क्योंकि आज ये भी खा रहा है तो इसलिए हम साथ में खाएंगे। और उसके बाद लगभग 12 बजे के बाद हम जाएंगे फॉर्म भरवाने, तो उसको आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखते हैं आज क्या मेस में बनाया है, तो अभी लेकर आ ही रहा होगा। तो गाइस फाइनली हमारा खाना आ गया है, थोड़ी सी आज पूरी बनी थी, संकोच कर रहे हैं, तो खा के आप लोगों से मिलते हैं उसके बाद। गाइस रात के 12 बज चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दोस्त के पास जो सेकंड विंग में रहता है, और हमें फर्स्ट विंग में। हमारा जो फॉर्म है वो है 5015 रुपए का, और इस बार GST लगा के फॉर्म भरा जा रहा है, तो इस बार काफी महंगा फॉर्म उन लोगों का है। अब चलते हैं उसके रूम पे सीधा। मोहम्मद पूरा लिखो, सही बात, क्या बाकी है? अच्छा। बहुत सही यार, सीरियस लड़का है।